हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 7 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये 8वां आपका टेस्ट है। अगर आपने 7 टेस्ट वो नहीं देखे हैं लगाए तो जा सकते हैं, देख सकते हैं, जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं, ये 8वां है आपका। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपका? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। गंधार गंधार कला शैली में यूनानी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, सही बात है। मथुरा कला शैली में केवल वैष्णव और शिव धर्म से संबंधित प्रतिमाएं पाई जाती हैं, गलत है। मथुरा स्थित बौद्ध की प्रतिमाओं के विपरीत सारनाथ में बौद्ध की प्रतिमाओं में सादे और पारदर्शी वस्त्र विन्यास देखने को मिलते हैं। तो 1 और 3 कथन इसका सही है। याद रखिए, दूसरा, मथुरा कला शैली में केवल वैष्णव और शैव धर्मों से संबंधित प्रतिमाएं नहीं पाई जाती हैं, ये गलत है। सही क्या है? तो सही है आपका, पारंपरिक देवी देवताओं तथा जैन बौद्ध जो भारतीय कला के विकास की विशेषताएं थी को प्रयाग के तौर पर तैयार किए जाने लगा है। इस दौरान मथुरा के विशिष्ट लाल तथा लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर में कुषाण सम्राटों तथा अनेक कुलीन पुरुषों व स्त्रियों के भव्य चित्र तैयार किए गए। ठीक है, तो पहले का क्या होगा? सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका दूसरा, क्या है दूसरा? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है इसमें? अजंता की अधिकांश गुफाओं का विकास बौद्ध धर्म के हीन यानचर के दौरान हुआ है, गलत है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर अजंता की गुफाओं में स्थित है, ये भी आपका गलत है। अजंता गुफाओं में प्रकोष्ठ का अभाव है, ये सही है। तो आपका क्या होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन केवल सही है। और कथन 1 और कथन 2 गलत हैं, यानी कि इनमें इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 आपका सही नहीं है, केवल 3 कथन सही है। सही क्या है इसमें? अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की श्रृंखला है। अजंता में 23 गुफाएं हैं। इसमें उस काल की दिनांकित 4 चैत्री गुफाएं, जैसे कि दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व की गुफा संख्या 19 और 26 है। इसमें बड़े चैत्य विहार जो मूर्तियों और कलाकृतियों में सुसज्जित हैं, ये चित्र मुख्यतः बौद्ध विषय वस्तु पर बने हैं। 29 में से 5 गुफाएं हीनयान चरण में विकसित हुई थी, जबकि शेष का विकास महायान चरण में हुआ है। बात करें प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की, तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16, जिसे एक एकाश्म पत्थर से निर्मित किया गया था, एलोरा की गुफाओं में है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में है, ना कि अजंता की। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाओं में प्रमुख अंतर पर्वतों का ढलान है। अजंता गुफाएं पर्वत की खड़ी सतह की तरह बनी है, जबकि एलोरा की गुफाएं तिरछी सतह की बनी है। ठीक, इसी कारण से एलोरा गुफाओं में प्रकोष्ठ उपस्थित है, जबकि अजंता गुफाओं में यह उपस्थित नहीं है। तो दूसरे का आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार। मौर्यकालीन स्तंभों की रचना एकल चट्टानों को काटकर नहीं बल्कि टुकड़ों में की गई है, गलत है। लोमस ऋषि की गुफा को अशोक द्वारा बौद्ध धर्मियों के लिए संरक्षित किया गया था, ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन आपके गलत है, ना तो 1 सही है ना ही 2। सही क्या है? मौर्य स्तंभ चट्टानों को काटकर बनाए गए, इस लिए स्तंभ निर्माणकर्ता की
की कुशलता को दर्शाते हैं, जबकि आकमिनियन स्तंभ राजगीर द्वारा टुकड़ों में बनाए गए मौर्य साम्राज्य में पाषाण से बने स्तंभ जिन पर लेख अंकित हैं स्थापित किए गए। और दूसरा कथन है बिहार में गया के पास बराबर पहाड़ियों पर चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं को लोमस ऋषि गुफा के रूप में जाना जाता है। इस गुफा का आंतरिक कक्ष पीछे की ओर एक परिपत्र कक्ष के साथ आयताकार है। प्रवेश द्वार कक्ष की ओर दीवार पर स्थित है। अजीब संप्रदाय के लिए अशोक ने गुफा को संरक्षण प्रदान किया। लोमस ऋषि गुफा मौर्य काल का एक विशेष उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है, विचार ही करना है। संगम साहित्य का एक धार्मिक साहित्य है, गलत है। संगम साहित्य के पद 8 संकलों में विभक्त हैं, ये सही है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो 8 संकलों में विभक्त हैं। संगम साहित्य एक धार्मिक साहित्य नहीं है, इसमें परिष्कृत साहित्य का भी दर्शन होता है। संगम साहित्य में बहुत से नगरों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 है केवल सही। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 5, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि ने की, गलत है। तोल कप्पियम तेलुगु व्याकरण की रचना है, ये भी गलत है। गाथा सप्त सती एक प्राकृत रचना है, ये सही है। ठीक है, तो इसमें केवल तीन कथन सही है। अष्टाध्यायी है, इसकी रचना, ये संस्कृत व्याकरण है, इसकी रचना पाणिनि ने की थी। ठीक है, इसे भाषा की शुद्धता तथा शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है इस पर बल दिया गया है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी थी। तोल कप्पियम तमिल, याद रखना, तोल कप्पियम जो है ये तमिल व्याकरण की रचना है, ना कि तेलुगु की। ठीक है, हाल द्वारा गाथा सप्त सती की रचना की गई थी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, केवल 3, सी ऑप्शन था। ठीक है, सही। क्वेश्चन है 6, स्क्रब टाइफस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, गलत है। यह मिट्टी में मौजूद संक्रमित घुन लार्वा के काटने से फैलता है, सही है। इसका इलाज एक नए टीके द्वारा किया जा स्नारिया PFSPZCBAC द्वारा किया जा रहा सकता है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका होगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, क्या है, सही नहीं पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा 1 और 3। ठीक है, इसमें सही क्या है, तो याद रखिए स्क्रब टाइफस एक संक्रामक बीमारी है जिसमें किसी भी वायरल बुखार के समान लक्षण देखे जाते हैं, हालांकि यह वायरस के कारण नहीं होती है बल्कि ओरिएंटा सुसगामोसी नामक परजीवी के कारण होती है। यह मिट्टी में मौजूद संक्रमित घुन लावा के काटने से संचरित होता है। लोगों द्वारा नंगे पैर चलने या घास पर बैठने से यह संक्रमण फैल सकता है। इस स्क्रब टाइफस के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हुआ है, याद रखिए। तो इसमें बी था, 1 और 3 कथन गलत था, केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 7, क्या है क्वेश्चन 7, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यह मिशन भारत की समकालीन निर्मित और प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया है, सही है। यह प्राकृतिक और मानव कृत विध्वंसों के दौरान आपातकालीन
प्रतिक्रिया उपाय का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका आठ, अगला क्वेश्चन आठवां। निम्नलिखित में से कौन से सही है, कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है इसमें ककाड़ू अभ्यास का आयोजन क्रमशः भारत और रूस में द्विवार्षिक स्तर पर किया जाता है, गलत है। इसका उद्देश्य पारस्परिक संबंधों को की बिगाड़ता एवं समुद्रिक संचालन की प्रक्रियाओं के सामान्य समझ के विकास को बढ़ावा देना है, सही है। इसमें केवल दो कथन सही है, जो ककाड़ू अभ्यास है जो एक बहुउद्देशीय क्षेत्रीय समुद्री संबद्धता अभ्यास है, इसका आयोजन 1993 में शुरू हुआ था, याद रखिए। यह अभ्यास द्विवार्षिक स्तर पर क्रमशः डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियन अभ्यास क्षेत्र में आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ? क्रमशः डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियन अभ्यास क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नौ, क्या है क्वेश्चन नंबर नौ? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रागैतिहासिक धरोहरों के उद्गार हेतु विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया गया एक अभियान है, गलत है। यह सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु यूनेस्को की एक परामर्शदात्री शाखा के रूप में कार्य करता है, सही है। इसने केरल धरोहर संरक्षण अभियान चलाया है, ये भी सही है। कथन दो और तीन आपके सही है, कथन एक आपका गलत है। क्या है? कथन एक आपका गलत है। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में वास्तुशिल्पीय और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए सिद्धांत पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, याद रखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दो और तीन यानी कि सी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन है आपका दस, हाल में ट्रस्ट समाचारों में था इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो याद रखना क्या है, यह इसकी शुरुआत और प्रबंधन भारतीय औद्योगिक महासंघ के द्वारा की गई, गलत है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए उपलब्ध है, ये सही है। ट्रेड्स यह विभिन्न ऋणदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के व्यापारियों प्राप्तियों के वित्त पोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत व्यवस्था है। इसे रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया तथा उसी के द्वारा इसकी प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक, तो इसमें आपका केवल दो था सही। क्वेश्चन है आपका 11, राज्य ऊर्जा दक्षता तत्परता इंडेक्स निकाला गया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको सही चुनना है, तो इसमें क्या होगा? इसकी शुरुआत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एवं ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन द्वारा की गई, सही है। इसमें इंडेक्स में राज्यों को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेनर और एस्पिरेंट की चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो याद रखिए दोनों कथन आपके सही है, 11 का सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन क्या है 12, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पीयर टू पीयर लेन देन हेतु किसी तृतीय पक्ष अथवा केंद्रीय बैंक की मान्यता की आवश्यकता को खारिज करती है, सही है। भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला हैदराबाद में बनाए जाने की योजना है, सही है। तो क्या है इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में UAKITIT समाचारों में था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी व्याख्या करता है? तो याद रखना, यह उल्कापिंड से खोजा गया एक नया खनिज है। ठीक है,
वाकीत भी बोलते हैं इसे। क्वेश्चन है आपका 14, क्वेश्चन क्या है 14, आवक पेषण सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, हाल ही में फ्रूट रॉट बीमारी समाचारों में देखी गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो याद रखना ये थी आपकी सुपारी से संबंधित, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 16, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा एक आयोजित एक द्विवार्षिक बेहद सैन्य युद्धाभ्यास है, सही है। अभ्यास मैत्री भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी सही है। आपके दोनों कथन सही है, ठीक सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 17, क्या है क्वेश्चन 17, भारत ईरान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ईरानी लेखक खरोष्टी लिपि के नाम से जानी जाने वाली लेखन शैली को भारत लेकर आए, जो देवनागरी लिपि की तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, गलत है। ईरान के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में पंचमार्ग सिक्के उपयोग में आए, गलत है। ईरानी प्रभाव को अशोक के शिलालेखों की भूमिका के साथ साथ इनमें प्रयोग किए गए कुछ निश्चित शब्दों में देखा जा सकता है, यह सही है। तो पहला कथन क्या था आपका, सही क्या है, तो याद रखना इस भारत ईरान संपर्क लगभग 200 वर्ष तक चला, इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को गति प्रदान की गई, इसके संपर्क के सांस्कृतिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण है। ईरानी लेखक खरोष्टी लिपि के नाम से जाने जाने वाली लेखन शैली को भारत लेकर आए, जो अरबी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, याद रखना क्या लिखना, दाईं से अरबी लिपि की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, ना कि देवनागरी लिपि की तरह। फिर दूसरा है ईरान के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत में पंच मार्क्ड सिक्के उपयोग में आए, तो ये गलत है। सही क्या है, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में भी ईरानी सिक्के पाए गए, जो ईरान के साथ वस्तु विनिमय की ओर इशारा करते हैं, हालांकि यह सोचना गलत है कि ईरान से संपर्क के परिणाम स्वरूप पंचमार्ग सिक्के प्रचलन में आए, ठीक है। तो इसमें आपका केवल सी ऑप्शन सही था, ठीक है, केवल 3 कथन सही था। क्वेश्चन है 18, क्या है 18, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिकंदर का आक्रमण वह पहला अवसर था जब प्राचीन यूरोप प्राचीन दक्षिण एशिया के गहन संपर्क में आया, सही है। सिकंदर के इतिहासकारों ने सती पिता के बारे में जानकारी प्रदान की, सही है। सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भारत में विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। तो आपका तीनों कथन सही हैं, 18 में डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 19, गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस कला शैली में उच्च उभार युक्त नक्काशी तकनीक को वरीयता प्रदान की गई। दूसरा है कनिष्क ने अपने साम्राज्य में बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण कराया, जिन पर ग्रीको रोमन प्रभाव प्रत्यक्ष तौर पर परिलक्षित है, दोनों एक कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है गंधार मूर्तियां बुद्ध के शुरुआती निरूपण को दर्शाती हैं, ये भी सही है। तो यानी कि 19 में आपका डी होगा, तीनों कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 20, क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इंडो यूनानी भारत के पहले शासक थे जो सिक्के जारी करते थे तथा जिनके सिक्के निश्चित रूप से विशेष राजाओं के लिए समर्पित होते थे, सही है। शकों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत भारत में यूनानी कला की विशेषताएं शुरू की हैं, ये गलत है। इसमें केवल
आपका एक ऑप्शन सही है। दूसरा कथन क्या सही होगा? यूनानी शासन ने ही भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत भारत में यूनानी कला की विशेषताएं शामिल की, लेकिन यह पूरी तरह से यूनानी नहीं थी, बल्कि सिकंदर की मृत्यु के बाद गैर यूनानी लोगों के साथ यूनानी संपर्क का परिणाम था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण गंधार कला थी। ठीक है, क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन क्या है 21? संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो समूह मिल्कानक्कू और किल्कनक्कू में विभाजित किया जा सकता है। सही है, किल्कनक्कू ग्रंथों को वीर काव्य की रचनाएं माना जाता है, जिसमें नायकों का महिमा मंडन किया गया है और अनवरत युद्ध और पशु आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। गलत है, मिल्कानक्कू ग्रंथ कर प्रणाली और न्यायतंत्र के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में जानकारी देते हैं। सही है, संगम ग्रंथ तोलका पियम व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये गलत है। ठीक है, एक और तीन कथन आपका सही है। इसमें दूसरा कथन गलत है, जो इसका सही क्या होगा? तो याद रखिए, मिल्कानक्कू ग्रंथों को वीर काव्य की रचनाएं माना जाता है, जिसमें नायकों का महिमा मंडन किया गया है और अनवरत युद्ध और पशु आक्रमण का उल्लेख है। ये दर्शाते हैं कि शुरुआती तमिल लोग मुख्य रूप से पशु चराने वाले थे। ठीक, और ये फोर्थ नंबर का आपका गलत है, तो इसमें सही क्या है? संगम ग्रंथों के अलावा एक अन्य तोलकप्पियम नामक ग्रंथ है, जो व्याकरण और कविताओं से संबंधित है। व्याकरण और कविताओं से संबंधित है, ना कि काव्य से। ठीक है, तो इसमें एक और तीन कथन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका अगला 22। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 22। सूची एक को सूची दो से आपको सम्मिलित करना है, सही सूची चुनना है। सूची है, मौर्य काल के दौरान प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार करना है। सन्निधाता, सिविल सेवक, गलत है। कंटक शोधन, पुलिस थाना, ये भी गलत है। पन्न पतन, वस्तु बाजार, ये सही है। केवल आपका तीसरा सही है। ठीक है, सन्निधाता, जो सन्निधाता ये मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, मुख्य कोषाध्यक्ष होता था और कंटक क्या है? कंटक शोधन ये आपराधिक न्यायालय होता था, आपराधिक न्यायालय होता था। ठीक है, ना कि पुलिस थाना। ठीक, तो इसमें क्या होगा? केवल तीन कथन सही था। ठीक, क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन है आपका 23वां। मौर्यकालीन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में कृषि की भरपूर पैदावार का सबसे महत्वपूर्ण कारण राज्य द्वारा प्रदत्त सिंचाई की सुविधा थी। सही है, मौर्य साम्राज्य में व्यक्ति खेती योग्य भूमि के छोटे क्षेत्र रख सकते थे तथा स्वयं खेती कर सकते थे, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक पुष्यगुप्त ने पानी के संग्रहण हेतु सुदर्शन तड़गा नामक बांध का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का। सही है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही हैं। 23 का क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन आपका होगा 24। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन शक और कुषाणों द्वारा शुरू किए गए? तो पगड़ी किया गया, अंग रखक किया गया, पतलून किया गया और भारी लंबा कोट भी शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक, क्योंकि चारों शक और कुषाणों द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 25। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका 25। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शिल्पादिकारम एक प्रेम कहानी से संबंधित है, जिसमें कोलन नामक एक गणमान व्यक्ति कुलीन परिवार की अपनी पत्नी कनग्गी ने बजाय कावेरी पत्नम
कि एक वेश्या माधवी को पसंद करता था। सही है, मणिमेखले कोलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के कृत्यों से संबंधित है, ये भी सही है। तो 25 में आपका सी होगा। ठीक है, याद रखिए आपके जितने भी टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो ये 8वां था टेस्ट आपका।